नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम टेबलेट में दोस्तों इस वीडियो में हम लोग पैरामेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे जो कि यहाँ पे बायोलॉजी के होंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए वन में क्या है कि एस वी गो फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम इन टेक्सानोमिकरार्ची द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स विल डिक्रीज तो होता क्या है कि जैसे जैसे हम टेक्सानोमिक पदानुक्रम में प्रजातियों से किंगडम की ओर जाती हैं तो क्या होता है कि सामान्य विशेषताएं क्या होती है घटते जाएँगी ठीक है देखिए सबसे पहले यहाँ पे स्पसीज उसके बाद जीनस उसके बाद फैमिली उसके बाद ऑर्डर उसके बाद क्लास उसके बाद फाइलम या डिवीजन उसके बाद किंगडम ठीक है तो जब हम लोग स्पीसीज से किंगडम की ओर जाएंगे तो क्या होगा जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी जो संख्या है वो क्या होंगी घटते जाएँगी देखिए होमोसेपियंस क्या है एक मानव का जो साइंटिफिक नेम या फिर बायोलॉजिकल नेम है और जो मस्का डोमेस्टिका है हाउस फ्लाई जिसको घरेलू मक्खी बोलते हैं ये भी एक स्पीसीज है अलग स्पीसीज है लेकिन ये जो हाउस फ्लाई होते हैं और जो होमोसेपियंस होते हैं दोनों ही किसके अंदर में आते हैं एनिमिलिया किंगडम के अंदर में आते हैं तो देखिए एक हाउस फ्लाई में और एक जो होमोसेपियंस मतलब मानव में कितना डिफरेंस है बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो जब भी हम लोग स्पीसीज से किंगडम की ओर जाएंगे तो क्या होगा जो कॉमन करेक्टरिस्टिक्स हैं वो उनकी संख्या कम होती जाएंगी ठीक है उसके बाद चलिए जो नेक्स्ट है उसको देखते हैं सफिक्स यूज फॉर यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन इन प्लांट्स इंडिकेट ए टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑफ फैमिली देखिए जब किसी हम लोग प्लांट के एक टेक्सानामिक जो कैटेगरी होता है फैमिली जिसको हम लोग हिंदी में कुल बोलते हैं अगर प्लांट के किसी कुल को या फिर फैमिली को हम लोग जब दर्शाते हैं तो कौन सा हम लोग सफ़िक्स यूज़ करते हैं ठीक है कौन सा हम लोग प्रत्यय यूज़ करते हैं तो देखिए जब भी हम लोग प्लांट के किसी फैमिली को हम लोग दर्शाते हैं तो उसके लास्ट में हम लोग क्या लगाते हैं ए सी ई ए लगाते हैं जैसे हो गया देखिए सोलोनेसी एस ओ एल ए एन ए सी ई -E ए तो देखिए यहाँ पे जो ए सी ई ए जो लगाएं ये सफिक्स है और ये किस में लगता है ये प्लांट के किसी फैमिली को जब हम लोग डिनोट करेंगे जब दर्शाएंगे तो हम लोग क्या यूज़ करते, है? e, e, यूज करते हैं ए सी ई ए सफिक्स यूज़ करते हैं देखिए उसके बाद जो नेक्स्ट है इसमें क्या है जीनस रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल देखिए जो जीनस होता है देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पीसीज के बाद क्या होता है जीनस होता है तो जीनस जो होता है हिंदी में इसको वंश बोलती हैं वंश क्या रिप्रेजेंट करता है ये जो बहुत ही क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होते हैं जो बहुत ही क्लोजली रिलेटेड जातियाँ होती हैं प्रजातियाँ होती हैं उसको क्या करते हैं ये दर्शाते हैं ठीक है रिप्रेजेंट करते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट है इसमें क्या है कि द टैक्सोनॉमिक यूनिट फाइलम इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स इज इक्विवेलेंट टू विच हेराजिकल लेवल इन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स तो जानवरों के वर्गीकरण में टैक्सोनॉमिक यूनिट फाइलम पौधों के वर्गीकरण में किस श्रेणीबद्ध स्तर के बराबर है तो देखिए जैसे एनिमल के लिए क्या लिखते हैं फाइलम लिखते हैं ठीक है, है? देखिए यहाँ पे जब है कि स्पेसीज़ के बाद जीनस उसके बाद फैमिली उसके बाद ऑर्डर उसके बाद क्लास उसके बाद देखिए यहाँ पे फाइलम स्लैश डिवीजन तो देखिए इसको हिंदी में क्या बोला जाता है हिंदी में इसको संघ बोला जाता है और फाइलम जो यूज़ करते हैं वो एनिमल के लिए यूज़ करते हैं और जब किसी प्लांट संघ को दर्शाती हैं तो उसको डिवीज़न से क्या करते हैं दर्शाते हैं तो वही यहाँ पर पूछ रहा है ठीक है कि जो जानवरों के लिए जो वर्गीकरण में टैक्सोनॉमिक यूनिट फाइलम लिखते हैं उसी तरह पौधों के वर्गीकरण में उस श्रेणीबद्ध स्तर में क्या मतलब क्या उसके बराबर होता है तो ये होता है डिवीज़न उसके बाद जो नेक्स्ट है इसमें क्या है कि क्या पूछ रहा है कि देखिए क्या है इसमें बॉटनिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल पार्क्स हैव कलेक्शन ऑफ एंडेमिक एंड एक्सोटिक लिविंग स्पिसज तो जो बॉटनिकल गार्डन्स होते हैं उसमें और जो जूलॉजिकल पार्क्स होते हैं उसमें क्या होता है कि स्थानिक और विदेशी जीवित जातियों का क्या होता है संग्रह होता है और देखिए बॉटेनिकल जो गार्डन्स होते हैं इसमें क्या होता है जो प्लांट्स होते हैं उसके लिविंग स्पेसीमेंट होते हैं ठीक है लिविंग स्पेसीमेंट होते हैं और जो जूलॉजिकल पार्क होते हैं वो क्या होते हैं कि प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट होता है जैसे कि उसका नेचुरल हैबिटेट है जैसा कि उसका प्राकृतिक आवास है जिस तरीके से जिस जानवर को वहाँ पे रखा जाता है तो जुलॉजिकल पार्क्स और जो ये बॉटनिकल गार्डन्स होते हैं उसमें क्या होता है कि उसमें स्थानिक और विदेशी जीवित प्रजातियों का क्या होता है संग्रह होता है और देखिए यहाँ पे कुछ बॉटनिकल गार्डन्स जो कहाँ पे स्थित है रॉयल बॉटनिकल जो गार्डन है कि में है इंग्लैंड में और उसके बाद नेशनल बॉटनिकल गार्डन जो कि लखनऊ में है इंडियन बॉटनिकल गार्डन जो कि कहाँ पे है हावड़ा में है और उसके बाद देखिए ये लॉयड बॉटनिकल गार्डन ये कहाँ है ये दार्जिलिंग में है और यहाँ पर जो नेशनल जूलोजिकल पार्क है ये कहाँ पर है ये दिल्ली में है तो उसके बाद जो नेक्स्ट है इसमें क्या है कि टैक्सोनॉमिक की इज़ वन ऑफ द टैक्सोनॉमिक टूल इन द आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स तो जो टैक्सोनॉमिक की होते हैं वो क्या होते हैं एक प्रकार का क्या है टैक्सोनॉमिक टूल है जिससे कि क्या करते हैं कि किसी प्लांट या फिर एनिमल जो होते हैं उसका आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन होता है देखिए टैक्सोनॉमिक कुंजी पौधों और जानवरों की पहचान और वर्गीकरण में क्या होता है वर्गीकरण का उपकरण में से एक है तो देखिए यहाँ पे टैक्सोनॉमिक जो की है ये क्या है देखिए फ्लोरा मैनुअल उसके बाद मोनोग्राफ उसके बाद कैटलॉग तो ये सब क्या है ये सब टैक्सोनिक की है उसके बाद जो नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैच द करेक्ट ऑप्शन तो करेक्ट ऑप्शन को यहाँ पे आपको मैच करना है तो इसमें क्या है कि देखिए एक चीज़ क्या है जो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले पढ़ें कि फैमिली को जब किसी प्लांट के फैमिली को हम लोग डिनोट करते हैं तो उसके लास्ट में क्या लगाते हैं ए सी ई ए ई लगाते हैं तो ये जो सफिक्स यूज़ करते हैं वो किस में यूज़ करते हैं किसी प्लांट के फैमिली को दर्शाने में तो यहाँ पे सीधा हम लोग इसको क्या करेंगे इससे मैच करेंगे फैमिली जो है ये सोलेनेसी ये क्या है ये एक प्लांट फैमिली है उसके बाद देखिए किंगडम तो प्लांटी क्या है प्लांटी किंगडम होता है जो पादप जगत को जिससे दर्शाते हैं और उसके बाद देखिए ऑर्डर और उसके बाद देखिए स्पिसज उसके बाद जीनस तो देखिए यहाँ पे जो स्पसीज है वो क्या है वो ट्यूब्रोसम जो है ये एक स्पसीज है और उसके बाद जीनस जो है जीनस क्या है सोलिनम यहाँ पे जीनस है और फिर उसके बाद ऑर्डर जो है ये क्या है ये आपका पोलीमोनियलिस जो है ये ऑर्डर है देखिए जब किसी ऑर्डर को हम लोग दर्शाते हैं तो उसमें जो क्या लगाते हैं सफिक्स लगाते हैं उसमें जो सफिक्स लगाते हैं वो क्या लगाते हैं ए एल ई एस लगाते हैं ठीक है देखिए ऑर्डर को जब दर्शाते हैं तो क्या लगाते हैं ए एल ई एस लगाते हैं और जब किसी प्लांट के फैमिली को हम लोग दर्शाते हैं तो उसमें क्या लगाते हैं लास्ट में ए सी ई ए तो यहाँ पे फैमिली का क्या हो जाएगा फैमिली का हो जाएगा सोलिनेसी। उसके बाद किंगडम क्या हो जाएगा प्लांटी ऑर्डर क्या हो जाएगा पॉलीमोनियलिज और स्पसीज क्या हो जाएगा ट्यूब्रोसम और उसके बाद जीनस क्या हो जाएगा सोलिनम हो जाएगा ठीक है इस तरीके से मैच करने का आएगा तो आपको ऑप्शन रहेंगे और जैसे यहाँ पे रहेंगे ए बी सी डी रहेंगे और इधर में एक दो तीन चार इस तरीके से रहेंगे और आपको फिर चार ऑप्शन दिए रहेंगे एक जैसे दिया हुआ रहेगा एक या फिर बी का तीन इस तरीके से ऑप्शन में दिए रहेंगे तो वहाँ पे आपको वो सेलेक्ट करने को है तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अगर आप हमारे इस चैनल में नए व्यूअर हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए